इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर दो चीजें याद रखो कि सैलरी लेने के लिए आपके पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो अगर ये सब में, अगर ये चैप्टर में अगर आपको कोई 2 रुपए का लॉलीपॉप पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कि फ्रॉम गेटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी व्हाट रिलेशन शुड बी मेंटेन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक रिलेशन रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यानी सैलरी से इनकम चाहिए तो आपको कौन सा रिलेशन मेंटेन करना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन मेंटेन करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, काम पर रखने वाले बंदे को हम बोलते हैं जॉब, है ना, जॉब बॉस, जो काम पर रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, तो उसको बॉस, बॉस मतलब हो जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉई मतलब वर्कर, वर्कर बोलो या स्टाफ बोलो। तो एम्प्लॉई अगर फैक्ट्री का है तो वो वर्कर का हो जाएगा, और अगर ऑफिस का है तो वो ऑफिस स्टाफ हो जाएगा। तो यानी कभी भी किसी भी तरीके का बेनिफिट, इफ एनी ऑफ द बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब कोई भी बेनिफिट, एनी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, अगर कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये चीज याद रखो। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मेट सिंपल रहता है, इसके अंदर कुछ चीजें याद रखो। अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी या नेट सैलरी का सवाल है, बेसिक सैलरी और नेट सैलरी क्या होता है, मान लो आपकी पगार कहा गया, आपकी पगार है टोटल 20,000, लेकिन आपकी पगार कटने के बाद 18,000 आपको मिलेगी, बोलते हैं ना, आपके हाथ में आपकी टोटल सैलरी है 20,000, लेकिन आपके हाथ में 18,000 रुपये आएगा। वो 18,000 आने के लिए उसमें पता चला कि आपका उसमें पीएफ भी कट रहा है, प्रोविडेंट फंड का भी पैसा कट रहा है, और आपका समझ लो किसी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बोलो या फिर प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो या TDS कट रहा है, ट्रेड डिडक्टेड एट सोर्स बोलेगा कोई, ठीक है, तो कैसा भी कुछ भी बोल के काट सकते हैं, या कोई बोलेगा LIC का हम पैसा काट रहे हैं आपका, हम एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ कट सकता है, कोई किसी का EPS कटेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोटेक्शन सर्विसेज का लगता है, तो अलग अलग तरीके का सर्विस है। तो आपकी पगार में से जो चीजें कटती है वो कटने के बाद आपको नेट सैलरी मिलती है। अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दी है, इसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, और इसको बोलते हैं हम लोग नेट सैलरी। तो अगर क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है तो इसके अंदर जो जो चीजें डिडक्ट हुई है वो सारी चीजों को ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक, क्योंकि हमारा टैक्स कहां से शुरू होता है, बेसिक सैलरी से चालू हो रहा है। यानी अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया है और बोला आफ्टर डिडक्टिंग PF LIC ESIC जो भी कट रहा है वो सारी चीजें मेंशन किया, तो सारी चीजों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी को करने के लिए आपको दो चीजें याद रखने की, स्पेसिफिक डिडक्शन है या नहीं है, स्पेसिफिक डिडक्शन है तो वो सारी चीजें क्या करोगे आप, ऐड करके उसको बेसिक सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सैलरी दो तरीके की होती है, एक होती है आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और एक होती है आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। जॉब के दौरान आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो तो सैलरी में आना ही आना है, लेकिन जॉब के बाद भी आपको बेनिफिट मिलता है, यानी इसके बाद मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोटा मोटा, सैलरी दो तरीके की हम लोग कंसिडर करते हैं, एक होती है नॉर्मल सैलरी, एक होती है एडवांस सैलरी, एक होती है आपकी प्रीपेड सैलरी। अब ध्यान दो, अगर मुझे सैलरी रिसीव्ड बोला है, अगर आपको क्या बोला है, सैलरी रिसीव्ड, तो इट इज टैक्सेबल, सैलरी मिला मतलब टैक्स लगेगा। अगर आपने एडवांस सैलरी लिया, क्या लिया, एडवांस सैलरी रिसीव्ड किया, तो भी आपको क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा। और अगर आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिला, अरियर्स ऑफ सैलरी अगर रिसीव्ड किया तो टैक्स लगेगा, अगर अरियर्स ऑफ सैलरी नॉट रिसीव्ड, अगर आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिला ही नहीं है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, नॉट टैक्सेबल,
क्या होता है अरियर्स ऑफ सैलरी, सैलरी बाकी है, बकाया बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मानो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, थैंक्स टू लॉकडाउन भैया हमको अप्रैल की सैलरी नहीं मिली, मई में भी नहीं मिली, जून जुलाई अगस्त सितंबर में हम काम पे जाना चालू किया तो हम लोगों को सितंबर में सैलरी मिली, आगे भी मिलती जाएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे लिए सैलरी कितनी हुई, तो हमारे लिए इस महीने के इस साल सैलरी कितने महीने की, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन मंथ्स आपकी जो भी आएगी वो सैलरी हो जाएगी, क्लियर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 7 महीने की सैलरी पर क्या देना, टैक्स। क्या हो गया ये, सैलरी रिसीव्ड। ये बीचे जो 5 महीना बैठ के काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम था, इन कंपनी ने बोल दिया आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको आगे जॉब कंटिन्यू करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और वी आर नॉट गिविंग एनी अश्योरिटी आपको, आपको सैलरी हम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हम अश्योरिटी देते कि अगर आप हमारे को इस खराब टाइम में साथ दोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। एम्प्लॉय भी अच्छे थे, एम्प्लॉय ने बोला ठीक है हम काम करते हैं, उन्होंने पूरा साल काम किया। अप्रैल में जब हम ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, तो अगले साल की बात करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगले साल, अब अगले साल की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिवाली थी, कंपनी को लगा कि हम तो सैलरी तो देने वाले, ये नवंबर का भी सैलरी, कंपनी को लगा यार दिवाली है, हमारे ये एम्प्लॉय ने पिछले साल 5 महीना क्या किया, बिना पैसे के काम किया, मतलब दे आर लॉयल एम्प्लॉइज, तो हम इन्हें क्या करेंगे 5 महीने की सैलरी देंगे प्लस 1 महीने का बोनस देंगे। तो ऐसा करके 1 महीने का नवंबर का सैलरी, 5 महीने का पुराना सैलरी और 1 महीने का बोनस, यानी टोटल 7 महीने की सैलरी आपको मिली। कितने महीने की, 7, कभी मिली नवंबर में, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके अलावा 11 महीने की सैलरी, यानी इस साल हमें 18 महीने की सैलरी मिली। कितने महीने की, 18। ये रेगुलर सैलरी है, मिला तो टैक्स भरना पड़ेगा, ये आपकी अरियर सैलरी है, बकाया सैलरी। तो बेटा जब तक अरियर ऑफ सैलरी मिलेगा नहीं तब तक टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन जिस दिन अरियर ऑफ सैलरी मिल गया, बकाया सैलरी मिल गया, उस दिन क्या लगेगा, टैक्स। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में इस 5 महीने की सैलरी पर भी टैक्स लगेगा, और 1 महीने का क्या मिला, बोनस। तो बेटा अगर आपको बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया है, अगर आपको कंपनी ने बोनस क्या किया डिक्लेयर, तो बोनस डिक्लेयर इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर बोनस आपको रिसीव्ड कर लिया है, यानी आपको बोनस मिल गया, तो रिसीव्ड करने पर आपको क्या लगेगा, टैक्सेबल लगेगा। अरे कोई तकलीफ, कंपनी ने कहा बोनस हम आपको 1 महीने का बोनस देंगे देंगे देंगे, दिया नहीं, फ्यूचर में देंगे, तो जिस दिन मिल गया उस दिन टैक्स लगेगा, जब तक मिलेगा नहीं तब तक टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। तो अरियर ऑफ सैलरी का कॉन्सेप्ट समझा। अब नवंबर के टाइम पे एक एम्प्लॉय आपका उठ के जाता है, बोलता है सब बॉस आपने आप बहुत अच्छे, आपने इतना पैसा दे दिया हमको, एक साथ 7 महीने की सैलरी मिल गई, लेकिन मेरे घर पे मेरी बहन की शादी है दिवाली के मौके पर, तो मुझे और पैसों की सख्त जरूरत है। तो बॉस ने बोला ठीक है कितना, तो उसने बोला मुझे आने वाले 4 महीने की सैलरी दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसने आने वाले 4 महीने की सैलरी भी यहां पर ले ली, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस सैलरी। क्या बोलेंगे, एडवांस सैलरी। अगर एडवांस सैलरी आपको मिल गई तो भी क्या लगेगा, टैक्स। क्या लगेगा, टैक्स। अगर एडवांस सैलरी नहीं मिली तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये सैलरी में इतना कंफर्म। ज्यादातर बोनस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर बोनस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अरियर्स ऑफ सैलरी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस साल 12 महीने होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, बट द कंपनी पेड the salary of 12 months plus arrears of salary of the previous financial year for 5 months. So, the taxable salary for dash month, कितने महीने की सैलरी पर टैक्स लगेगा।
तो 12 महीना वो, 5 महीना अरियर्स और सैलरी, टोटल 17 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा, समझा? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक सैलरी हो गया। अब दूसरा, कंपनी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आप काम पर जा रहे हो ना, तो आपको कुछ बेनिफिट देने का सोचती है कंपनी। क्या बोलती है? अगर आप ड्यूरिंग द, यानी आप हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, आपको हम पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देंगे। हम क्या देंगे? पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देंगे, यानी हमारी गाड़ी आपके दरवाजे तक आएगी, आपको बस में चढ़ जाना है और आप हमारे दरवाजे तक उतरोगे, काम करोगे, वापस बस में चढ़ोगे और वापस आपके घर तक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो ये पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट, समझा? क्योंकि इट इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी वाला बोलता है कि लॉकडाउन के वजह से हम बस ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं, एक काम करो आप अपना पैसा लगा कराओ, हम आपको यहां से क्या देंगे? रीइंबर्समेंट देंगे। रीइंबर्समेंट मतलब हम आपको यहां से पैसा अलोकेट करेंगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसको मिलेगा पहले ये समझो। अगर वो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब उसको किसी भी तरीके का विकलांग नहीं है, और एक होता है डिजेबल इंसान, मालूम है ना? डिजेबल यानी जिसको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं हम लोग। अगर वो फिजिकल डिजेबल्ड है तो उसको 1600 पर मंथ, 1600 पर मंथ, और नॉर्मल को 800 रुपया पर मंथ का लिमिट है। कितना? 800 रुपया। मानो आपका आपका जो बॉस है ना, वो 600 रुपया ही देता है, तब कितना एग्जेम्प्ट होगा? तब 600 में 600 जाएगा तो बचेगा क्या? नील, यानी आपको उस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपका बॉस बहुत अच्छा आपको 1000 रुपया देता है, कितना देता है? 1000। ट्रैवलिंग का कितना दे रहा है? 1000 रुपया दे रहा है, लेकिन लिमिट तो 800 की है ना बेटा, तो 200 रुपए पर क्या भरना पड़ेगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो माइनस करो ना बेटा, ये माइनस के लिए फंडा एक ही है, एक्चुअल और लिमिट, विच एवर इज लेस। एक्चुअल मेरा यहां पे 600 था, लिमिट मेरा कितना था? 800, विच एवर इज लेस। तो यहां पे 600 मैंने माइनस किया यहां पर, बट इस सम के अंदर क्या हो रहा है? एक्चुअल कितना है? 1000, लिमिट कितना है? 800, तो विच एवर इज लेस, तो 800 रुपया माइनस हुआ। क्लियर? तो कभी भी याद रखना, ये जो लिमिट लिखा रहा है वो किसकी लिमिट है? लिमिट है हमारी एग्जेम्पशन की लिमिट है, कि इतना ज्यादा हमको क्या लगाना है? एग्जेम्पशन देना है। क्लियर? वापस बोल रहा हूं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना? 800 रुपया नॉर्मल इंसान को मिलेगा, और 1600 रुपया फिजिकली डिजेबल इंसान को मिलेगा, जिसको हम हैंडीकैप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडीकैप। कोई तकलीफ? हैंडीकैप्ड या डिजेबल्ड बोलेगा तो समझ जाना वो क्या है, 1600 पर मंथ वाला। उसके बाद, उसके अलावा बोनस हो गया, मेडिक्लेम प्रीमियम। मेडिक्लेम का मालूम है ना क्या बेटा? सुना है मेडिक्लेम? अगर मेडिक्लेम, यानी अगर मेडिक्लेम बोलो या मेडिकल का खर्चा बोलो, मेडिक्लेम या मेडिकल खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, आपका हाथ पर टूट गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो पहला देखने का किसके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो भैया आपको टैक्स लगने वाला नहीं है, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट है ना, पैसा किधर लगता है? खाट का भी पैसा नहीं लेते उन लोग, एग्जेम्प्ट। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी का एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, किसका? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जा रहे हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। जिस जगह पे काम करो उसी का हॉस्पिटल, तो एम्प्लॉयर हॉस्पिटल हुआ, तो उस पर भी टैक्स लगने वाला नहीं है, नॉट टैक्सेबल। कैसे? मानो मैं नानावटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉयर कौन है? नानावटी। मैं एम्प्लॉय हो गया, अब मैं, मेरे को खुद को कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया मैं, तो नानावटी बोलेगा ये तो अपने एम्प्लॉय, इससे क्या पैसा लेंगे अपन? फ्री में होगा ट्रीटमेंट, तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूं, कौन से हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराता हूं, तब खर्चा 15,000। कितना बेटा? 15,000। और अगर मैं मेडिक्लेम प्रीमियम की बात करता हूं तो 25,000 का लिमिट है। मेडिक्लेम और मेडिकल एक्सपेंसेस में फर्क है। मेडिकल एक्सपेंसेस कितना होगा? 15,000 का लिमिट होगा। कितना लिमिट होगा?
15,000 का लिमिट होगा। क्लियर? डिफिकल्टी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिक्लेम प्रीमियम, हम लोग मेडिक्लेम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर डिफिकल्टी? उसके बाद अगर आपके बच्चे, वो तो रहते ही है, हर एम्प्लॉय के बच्चे रहते हैं, तो चिल्ड्रन, आपका बच्चा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे को क्या दिया जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े, एम्प्लॉय वाले को बेनिफिट कितना मिलेगा? एम्प्लॉयर आपके लिए कुछ भी करे, कितना भी पैसा दे, पूरा खर्चा उठाएगा, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रन, अप टू टू चिल्ड्रन। मानो 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 एम्प्लॉयर ने आपको 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से खर्चा दिया अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, एजुकेशन के लिए 300 रुपया दिया, और आपके एक बच्चा है, तो 300 × 12 × 1 पर चाइल्ड, तो यानी 3600 रुपया आपको मिलेगा। सिंपल। अब एग्जम्पशन की बात करें तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो एक ही बच्चा है 12 महीने का 1200 रुपया, तो आपको 2400 रुपये पर टैक्स भरना है, सिर्फ टैक्स भरना है, समझा? मानो आपको दो बच्चे हैं, तो यहां पे 7200 हो गया, तो दो बच्चे का कितना होएगा, 2400 होएगा, माइनस किया तो 4800 हो जाएगा। सिंपल। मानो आपको तीन बच्चे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, 10,800 हो जाएगा। अब दो बच्चे का ही माइनस होगा, कितने बच्चे का माइनस होगा, दो बच्चे का ही माइनस होगा, ठीक है? क्लियर, इतना समझा? अगर आपको यहां पर 80 रुपया दिया जा रहा है, 80 रुपीज फॉर टू चाइल्ड, 80 रुपया दिया जा रहा है, तो 80 × 12 × 2, तो एक अमाउंट आएगा, तो एग्जेम्पशन 100 रुपए का मिलेगा क्या? नहीं। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल 80, लिमिट क्या है 100, विच एवर इज लेस, तो इसका मतलब यह कैलकुलेशन में भी कितना हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। समझा? आपको क्वेश्चन में कौन कितना दिया वो देखने का, और अपने को क्या है कैलकुलेशन, लिमिट क्या है 100 रुपए का, तो दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लेस से कैलकुलेशन करने का, और वो अमाउंट आपका हो जाएगा एग्जेम्पशन अमाउंट। क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का मतलब क्या होता है, कि आपका एम्प्लॉई कह रहा है कि सर मेरे बेटे को मैं पढ़ाई कराने के लिए मनाली भेजना चाहता हूं एक कॉन्वेंट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजने का खर्चा तो एम्प्लॉयर उठा रहा है, लेकिन उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर कर रहा है, हॉस्टल का खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी बॉस बोला कि तेरे बेटे का खाने पीने सारे खर्चा मैं देखता हूं, उसको अच्छे स्कूल में डालने का खर्चा भी देखूंगा, उसका हॉस्टल का खर्चा भी एम्प्लॉयर देखेगा, कोई तकलीफ नहीं, देखने दो कितना दे रहा है, 1,00,000 रुपए देने का, 10,00,000 देने का, 10 करोड़ देने का, 100 करोड़ देने का, वो एम्प्लॉयर की बात है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसका एग्जेम्पशन लिमिट निकालना है। तो बेटा हॉस्टल का 300 रुपीज होता है, कितना 300 रुपीज, कितना पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रन। अच्छा, क्या इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन लिखा है मैंने? ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होता है? बच्चों के बच्चे, मतलब नाता, नाती या नातन, नाती बोलते हैं हम लोग ना, लड़का रहेगा तो नाती, लड़की रहेगी तो नातन बोलते हैं, फिर या तो पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही, वी आर टॉकिंग अबाउट अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे नहीं। क्लियर? तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, अभी खर्चा कितना भी कर रहे थे ये लिमिट है, अगर एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे का मिलेगा, दो बच्चे तो दो बच्चे का मिलेगा, 6 बच्चे तो भी दो बच्चे का मिलेगा, ठीक है? वो तुम्हारा लुकआउट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू चिल्ड्रन, कोई तकलीफ? उसके बाद आता बेटा हाउस रेंट अलाउंसेस, आपका एम्प्लॉय आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ आपका भाड़ा भरने का भी काम कर रहा है तो देने दो, लेकिन एग्जेम्पशन की बात आएगी तो मेट्रोपॉलिटन सिटी देखने का। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या होता है और नॉन मेट्रोपॉलिटन,
दो सिटी, दो तरीके की सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या होता है दोनों में फर्क? अरे बेटा जिधर मेट्रो चलता है ना वो मेट्रोपॉलिटन, और जहां मेट्रो नहीं चलता वहां पे नॉन मेट्रो, ज्यादातर वही डिफरेंस होता है। जैसे 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 मुंबई में मेट्रो है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, ठीक है, कोलकाता में है, तो ये मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा, बाकी सब नॉन मेट्रोपॉलिटन। तो यहां पर जो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करेंगे तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी, क्या बोला, बेसिक सैलरी का 40%, और नॉन मेट्रोपॉलिटन में 50% ऑफ बेसिक सैलरी। कितना बोला? 50% ऑफ बेसिक सैलरी का। तकलीफ हो गया, समझा? बुलेट ट्रेन की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रो, मेट्रो वो अंधेरी से लेके घाटकोपर वाला वैसा लाइन, क्लियर? तो ये अपना क्या हो गया, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, काम करने के दौरान आपको ये सारी बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो, रिटायरमेंट मतलब आप काम छोड़ के जा रहे हो, या आपका आखिरी दिन है, तो जहां पर आपकी सैलरी खत्म हुई थी उसके अगले महीने से क्या शुरू हो जाएगी, पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जिस दिन आपने दिन का आखिरी काम किया उस दिन के पहले आपको क्या मिलता था, सैलरी, लेकिन उस दिन के बाद से आपको क्या मिलेगा, पेंशन। क्या मिलेगा? पेंशन। तो आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला आपको बेनिफिट मिलता है ग्रेच्युटी का। अच्छा, ग्रेच्युटी का सेक्शन याद इसलिए करने का क्योंकि एक सेक्शन पूछता है टन, ग्रेच्युटी टन। दूसरा जीपीएल पेंशन टन ए पेंशन। और थर्ड लीव सैलरी, उसका सेक्शन टन ए। क्लियर? ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, तीन सेक्शन अपने को इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी एम्प्लॉय काम से रिटायरमेंट लेता है तो उसको तीनों बेनिफिट दिए जाने की कोशिश की जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, आपने इतने मेहनत से काम किया है आपको उसका इनाम तो मिलना चाहिए। कोई एम्प्लॉय जिंदगी के मतलब पूरी जिंदगी काम के लिए गुजार देता है, उस एक ही कंपनी में गुजार देता, 25 साल 30 साल 35 साल काम करता है, तो कंपनी को लगता है ये तो अपना एम्प्लॉय ऑफ द डिकेड होना चाहिए, ये अपने कंपनी का एक लॉयल एम्प्लॉय जिसने का इतना पैसा कम मिलने के बावजूद अच्छे खासे मुकाम में है, तो भी उसने कंपनी का साथ कभी भी छोड़ा नहीं, चाहे कितना भी तकलीफ आ जाए तो, और उसने अपनी जिंदगी के 35 साल 40 साल 25 साल दिया है, तो हम उसे क्या देते हैं, अप्रिसिएशन टोकन देते हैं, तो उसको एक ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है। ग्रेच्युटी का अमाउंट उसको क्या मिलता है कि अगर जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसमें, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। यानी किसी को लगता है ना कि हमारे को जैसे पीएफ में होता है ना बेटा, पीएफ में रजिस्ट्रेशन, वैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर कोई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करता है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है, किसका, पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और कोई रजिस्टर नहीं कराता, डिपेंड्स ऑन कंपनी का नेचर कैसा है, तो अगर कोई रजिस्टर करा रहा है तो वो पोगा के अंडर में आ गया, और कोई नहीं करा रहा है तो नॉन पोगा के अंदर आ गया। तो सबसे पहला नेचर, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेटा कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। बेटा अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला, ग्रेच्युटी का अमाउंट मतलब एक लमसम अमाउंट, हैवी अमाउंट, ज्यादा अमाउंट मिलता है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख, तो वो पैसे को क्या बोलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसको उस पर एक रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय, तो उसका स्टेटस चेक करने का, क्या स्टेटस चेक करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय का, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उसका स्टेटस चेक करने का, क्या स्टेटस चेक करोगे कि क्या वो पोगा रजिस्टर्ड है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो पोगा के अंदर आता है क्या, पोगा मतलब नॉन गवर्नमेंट, सॉरी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर उसका नाम लिखा गया है या नहीं। यानी अगर कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए काम कर रहा है और उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कराया हुआ है,
तो उसका मतलब वो पोगा से कवर्ड है। तो ऐसे एम्प्लॉय को 15 डेज सैलरी मिलती है, कितना दिन, 15 डेज सैलरी आउट ऑफ 26 मतलब 26 दिन काम होता है क्योंकि 4 संडे छुट्टी मिलती है। तो 15 डेज सैलरी, कितना दिन सैलरी, 15 डेज सैलरी, एस मतलब सैलरी, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर 25 साल 6 महीना काम किया तो 26 साल का कंसीडर करने का, मतलब 25 साल काम किया तो 25 साल काउंट करने का, 25 साल 3 महीना काम किया तो भी 25 साल काम करने समझने का, 25 साल 6 महीना काम किया तो उसको कन्वर्ट करके 26 साल कर देने का, पार्ट देयर ऑफ। भाई तू रजिस्टर्ड है, तेरे को थोड़ा तो बेनिफिट मिलेगा, पहला बेनिफिट डेज में मिलेगा और दूसरा बेनिफिट पार्ट देयर ऑफ एनी राउंड ऑफ। लेकिन लेकिन अगर आप नॉट कवर, नॉन पोगा हो, यानी आपको रजिस्टर्ड कराया ही नहीं गया, तब हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब आपने 25 साल 3 महीना काम किया तो भी 25 माना जाएगा, 25 साल 6 महीना काम किया तो भी 25 माना जाएगा, 25 साल 11 महीना काम किया तो भी 25 साल माना जाएगा, और 25 साल यानी 26 साल होने में एक दिन बाकी था तो भी 25 साल माना जाएगा। समझा क्यों? क्योंकि यहां पे डिसएडवांटेज है, नॉन पोगा वाले को ये दिन का डिसएडवांटेज मिलता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। तो पहला ये कंफर्म हो गया, तो आपको ये पहला। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट मिलेगा बेटा 20 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का लिमिट है बेटा, 20 लाख रुपए का लिमिट है। और तीसरा, एक्चुअल अमाउंट, कौन सा अमाउंट, एक्चुअल मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, तीनों में से जो छोटा रहेगा ना वो अमाउंट हो जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट, कौन सा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, अगर हम लोग प्रैक्टिकल सम करते हैं तो हमको ग्रेच्युटी के ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट दिया होता, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में हमको यहां पर पूरा पुड़िया घुमाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी इज डैश, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी इज 20 लाख, 10 लाख भी बोलेगा कोई कोई, पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ेगा तो 10 लाख मिलेगा, नई टेक्स्ट बुक में 20 लाख है तो नया वाला 20 लाख के हिसाब से, ठीक है। और अब आइडल वाला तो मालूम नहीं तुम लोग को कौन सा बुक से, कौन सा नशा। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बोला तो 15 डे सैलरी, और अगर नॉन गवर्नमेंट नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो हाफ मंथ सैलरी, आधा, सिंपल। दूसरे पे आ जाओ, पेंशन पे, पेंशन वाले को क्या, सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बेटा, इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भाई को पेंशन देखने का कैसे मिल रहा है, सिंपल। पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है मंथली पेंशन और एक होती है लमसम पेंशन। क्या बोला मैंने, एक होती है मंथली पेंशन, एक होती है लमसम पेंशन। तो मंथली 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 पेंशन को हम लोग कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेड, क्या बोलते हैं, कम्यूटेड। मंथली पेंशन को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेड। अगर क्वेश्चन में कम्यूटेड पेंशन दिया है, कम्यूटेड पेंशन इज डैश, तो ऑलवेज टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन, और मंथली पेंशन हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल, चाहे बेटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सबको टैक्स लगेगा। क्या बोला, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब वो काम कर रहा है और उसको मंथली पेंशन मिल रही है, मंथली पेंशन मतलब काम रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने पेंशन उठा रहा है, तो हर महीने की पेंशन क्या रहेगी, टैक्सेबल। लेकिन अगर उसने वही पेंशन, अगर उसने वही पेंशन लमसम उठाई, लमसम मतलब एक साथ 10 साल का पेंशन एक साथ उठा लिया, मेरे को भाई मंथली पेंशन नहीं, मेरे को बहुत बड़ा काम है, मेरे को एक काम करो लमसम पेंशन दे दो, तो लमसम पेंशन को बोलते हैं अनकम्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अनकम्यूटेड, समझा। अब अनकम्यूटेड में भी पहला क्या आएगा, गवर्नमेंट, क्योंकि एक साथ मिल रहा है, ग्रेच्युटी भी साथ में मिलता था, पेंशन भी साथ में मिल रहा है,
तो इसमें पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। दूसरा, अब गवर्नमेंट छोड़ के बचा कौन? प्राइवेट एम्प्लॉय। तो प्राइवेट एम्प्लॉय को चेक करेंगे कि भाई साहब आपको ग्रेच्युटी मिला क्या, क्योंकि तुम इसको भी हैवी में मांग रहे हो, इसको भी हैवी में मांग रहे हो, ज्यादा अमाउंट मांग रहे हो ना। ग्रेच्युटी का भी 10 लाख चाहिए, पेंशन का भी तुम 10 लाख मांगो, तो 10-10, 20 लाख हो गया, तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ग्रेच्युटी देखेंगे कि उसका ग्रेच्युटी उसको मिला है कि नहीं मिला है। अगर 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 ग्रेच्युटी आपने रिसीव किया, आपने ग्रेच्युटी नहीं रिसीव किया, दो ही पॉसिबिलिटी है, आपको ग्रेच्युटी मिलेगा या तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो 1/3 ऑफ पेंशन, कितना? 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, समझा? 1/3 ऑफ पेंशन, और नॉन रिसीव तो 1/2 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। वापस बोला, ध्यान से सुनो, प्राइवेट एम्प्लॉय है, ग्रेच्युटी चेक करने का प्राइवेट एम्प्लॉय, अरे सब में दिखा रहेगा कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी है, पेंशन का कैलकुलेशन भी है, तो देखने का, या तो एमसीक्यू ऐसे पूछेगा, व्हेन द ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर आपको ग्रेच्युटी मिला, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड द ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला, देन पेंशन इज एग्जेम्प्ट अप टू, पेंशन मिला तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो बेटा अगर पेंशन मिला है तो 1/3 इज एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड, तो 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट, 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। एमसीक्यू कैसे पूछेगा? इफ एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला है, देन पेंशन इज एग्जेम्प्ट, पेंशन एग्जेम्प्ट होगा, कितना? 1/3। इफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलता, then pension is exempt up to या on 1/2 of exempt, clear? आधा, तो ऐसा MCQ बना के देगा, clear? और last but not the least, leave salary 10AA, मतलब section 10 subsection 10AA, यहां पर क्या आएगा? 10 month average salary into leave availed, यानी आपकी कितनी छुट्टी बाकी है, होता है ना, आपको ऐसा छुट्टी दिया जाता है ना कि आपको महीने में 2 छुट्टी अलाउ है, पेड लीव, यानी आप घर पे बैठेगा तो भी आपकी पगार चालू रहेगी। आप तो अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे थे तो काय का पेड लीव, तो ये भी आपको काम घर से बैठ के काम कराया जा रहा है, ठीक है? ऐसा मान लो कि आप नॉर्मल एम्प्लॉय है, 2 दिन आपको महीने में मिल रहा है, तो इसका मतलब पूरे साल में कितना दिन छुट्टी मिल रहा है? 24। 10 साल आपने काम किया, एक भी छुट्टी नहीं लिया, 240 दिन आपने काम किया, जिसकी पगार आपको मिलनी चाहिए घर बैठे बैठे, लेकिन वो 240 दिन आप जॉब पर आके पगार ले रहे हो, तो वो 240 दिन लीव इनकैशमेंट में आ जाएंगे, लीव सैलरी में आ जाएंगे। कि ये 240 दिन अगर आप घर पे भी बैठते ना तो भी आपको पगार मिलती थी, लेकिन ये 240 दिन आप जॉब पर आके काम कर रहे हो तो उसको आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं लीव सैलरी। और इसका मैक्सिमम लिमिट होता है बेटा 3 लाख रुपया, कितना? और थर्ड होता है आपका एक्चुअल, तो विच एवर इज लेस, जो लेस रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट। सिंपल है ना? और एक फाइनल कॉन्सेप्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कौन सा? वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब मैं मेरी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं मेरी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो मैं मेरी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा हूं तो मुझे 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्शन मिलेगा, 5 लाख रुपए तक, अप टू, बोला बेटा अप टू 5 लाख रुपए तक। 3 लाख ही मिला तो 3-3 = 0, 10 लाख मिला तो 10-5 = 5, 5 लाख पे टैक्स लगेगा, ठीक है? तो अप टू 5 लाख रुपीज इज एग्जेम्प्ट, क्लियर? एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वापस बोल रहा, ये जितनी चीजें मैंने बताया उसमें से ही आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। आपको छोटा सा कैलकुलेशन चिल्ड्रन का बना के दे सकता है, जैसा मैंने डिस्कस किया वैसा, या ग्रेच्युटी के अंदर, इफ द एम्प्लॉय इज रजिस्टर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यानी अगर कोई एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, सो डैश, तो डैश में क्या आएगा? 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी मतलब 15/26 डेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ एंड पार्ट देयर ऑफ, ऐसा।
अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो हाफ मंथ सैलरी, तो वो छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया, ये बोलेगा। पेंशन का मैंने डिस्कस किया। लीव सैलरी, लीव इनकैशमेंट का मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस आपको सैलरी में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? हाँ है ना। एक आखिरी डिडक्शन अंडर सैलरी, सैलरी के अंदर टोटल कितने डिडक्शंस मिलते हैं मालूम है ना? 3। पहला 16 बिंदु वाला A, 16 बिंदु वाला 2, 16 बिंदु वाला 3। बिंदु वाला A, बिंदु वाला 2, बिंदु वाला 3 बोलने का मतलब क्या है? 16 बिंदु वाला 1 बेसिक डिडक्शन, याद है? बेसिक डिडक्शन मतलब सैलरी का 20%, याद है? नहीं, सैलरी का कितना परसेंट, सैलरी का कितना परसेंट, कितना परसेंट सैलरी पे टैक्स आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी काम करो आपको उतना सैलरी का डिडक्शन मिलना ही मिलना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? बेसिक डिडक्शन मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, वो भी कितने का? 40,000 रुपया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज डैश 40,000 रुपया, या अंडर सेक्शन डैश ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी इज लिमिटेड टू 40,000। यानी कौन सा सेक्शन के? तो 16 बिंदु वाला 1 कॉलम वाला है ना, याद रखो 16 ऐसा दिया है, रोमन वाला 1 है। दूसरा 16 बिंदु वाला 2, बिंदु वाला 2 मतलब रोमन का नंबर 2 है, रोमन का क्या है? नंबर 2 है। तो इसमें आएगा बेटा एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, किस क्या आएगा? एंटरटेनमेंट अलावेंस। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट अलावेंसेस किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कौन सी, किसको मिलता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही रहता है। इसमें तीन चीजें देखने का बेटा, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20%, मैक्सिमम 5,000, और थर्ड एक्चुअल। तीनों में से सबसे छोटा रहेगा वो डिडक्शन मिलेगा, तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा वो डिडक्शन। लेकिन क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया है तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ऊपर भी लिखने का और नीचे भी लिखने का, ठीक है? और थर्ड 16 बिंदु वाला 3, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल टैक्स। तीन चीजें बस, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा नहीं, कंफर्म इतना ही पूछेगा। क्लियर? वापस बोल रहा हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जितना पार्ट मैंने डिस्कस किया वो, और ये डिडक्शन वाला पार्ट है। तो डिडक्शन में देर आर 3 डिडक्शन, वो भी कौन सा सेक्शन में? अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16। याद नहीं होता, याद कैसे करने का? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, उसमें से 8 घंटा सोने का और 16 घंटा काम करने का। काम करने का मतलब सैलरी, ठीक है? समझा? भगवान ने क्या बोला? 8 घंटे की नींद अच्छी खासे, 6 घंटा सोने का, 2 घंटा अपना क्रियाकलाप करने का, उसके बाद बाकी के 16 घंटा भगवान ने काम करने के लिए भेजा है। तो इसका मतलब 16 घंटा का, इसका था अंडर सेक्शन 16। इट इज जस्ट अ रिलेशन कि भाई बता रहा हूं कि सेक्शन कैसे याद रखने का। तो 16 क्या हो जाएगा आपका? डिडक्शन का सेक्शन हो जाएगा, ठीक है? डिफिकल्टी इसमें सैलरी में पक्का?